ठीक है भाई, ये क्या है आप लोग का? द प्रोफेसर सर, समझ रहे हो? ये कहाँ पे है? सभी जगह यूज हो रहा है आपका, जितनी वॉशिंग मशीन है आपकी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फिर कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 8086 और 8088 आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, उसका डिजाइन क्या है, मतलब जो भी एवरीथिंग इन डिटेल, पिन डायग्राम्स कौन कौन से हैं उसमें, एंड टाइमिंग डायग्राम, दो डायग्राम भी हमको देखना है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, जो है इंटेल इंट्रोड्यूसेस इट्स फर्स्ट 4-bit माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल जो था उसने क्या किया था, जो है इंटेल जो थी क्या थी, ये फर्स्ट अमेरिकन कंपनी थी, लिखा रहता है ना इंटेल, कभी एड भी आता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी आता है आपका, और जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेंगे जो है उसके पीछे लिखा रहता है इंटेल, इंटेल लिखा रहता है, ठीक है। तो इसने कब क्या किया था, 4-bit माइक्रो प्रोसेसर जो है क्या किया था, 4004 ही 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या किया था इन्होंने बनाया था, जो इंटेल कंपनी जो है, ये कौन सी कंपनी आपकी, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो है प्रोसेसर की, जो है जो आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं अभी, स्मार्टफोन जो भी कर रहे हैं, सबका एक क्या है प्रोसेसर है, जो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड का प्रोसेसर आ रहा है ना, स्नैपड्रैगन, फिर ये सारी चीजें जो आप जेली, अलग अलग वर्जन आ रहा है, इसी तरह ये भी है जो है, एंड इट्स 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। कब किया था इन्होंने जो है, उसका नाम क्या है, 8008 इन 1972 में क्या किया था, दूसरा प्रोसेसर लेकर आए थे जो है, ये माइक्रो प्रोसेसर। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कोई कंप्यूटर देखे हो, कंप्यूटर में मॉनिटर हो गया, फिर उसका नीचे आपका सीपीयू हो गया, फिर आपका कीबोर्ड हो गया, फिर माउस, ये सारी जो भी चीजें हैं आपको जो है, इसको अगर कंबाइन अगर वे में अगर कहें जो है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है जो है, ये सारी चीजें जो है, ठीक है। अगर इसको कंबाइन सब कर देंगे जो है, वही आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है जो है। दीज माइक्रो प्रोसेसर कुड नॉट सर्वाइव, क्या है ये क्या सर्वाइव नहीं कर सकते जो है, एज जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर ड्यू टू देयर डिजाइन एंड परफॉर्मेंस लिमिटेशन। मतलब जो पहले जो ये प्रोसेसर बने थे आपके, कौन से जो है, 404 4-bit माइक्रो प्रोसेसर था जो है, और क्या था ये जो है 8008 bit माइक्रो प्रोसेसर था, ये दोनों सर्वाइव नहीं कर पाया जो है, मतलब काफी टाइम तक नहीं कर पाया जो है, फिर और क्या हुआ, एडवांस हुआ जो है। द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस 8-bit माइक्रो प्रोसेसर 8080 इन 1974 बाय इंटेल इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेजर स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। 1974 में जो है आपका क्या हुआ, 8-bit माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया जो है। अब बहुत सारी कंपनियां जो है माइक्रो प्रोसेसर बना रही है, लेकिन इंटेल जो स्टार्टिंग में किया था, आपने पूछा ना कि मुझे लैपटॉप लेना है जो है, हाँ, तो उसका प्रोसेसर देख लेना जो है, 32-bit है या 64-bit है जो है, तो आपने पूछा कि कौन सा लैपटॉप ले जो है, उसका प्रोसेसर आप देख लीजिएगा जो है, i5 i7 ये सारे मतलब जनरेशन चल रहा है अभी, बहुत सारे i3 जनरेशन, फिर आपका पेंटियम था, फिर i5 था, i6, तो i7 ऐसे, मतलब तो i7 का प्रोसेसर आप लेंगे जो है, यू विल डू जो भी आप चीजें करेंगे, फटाफट होगा, मतलब फास्ट होगा, मतलब ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन मुझे अभी इतना याद नहीं है, i9 है, जो भी होगा i9 का आप लेंगे जो है, तो वो फास्ट होगा, मतलब प्रोसेस मतलब क्या होता है, कुछ चल रहा है, समथिंग हैपनिंग जो है, हाँ, कैलकुलेशन जो है आपका क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अगला क्या है जो है, द माइक्रो प्रोसेसर 8085 फॉलोड बाय 8080, ठीक है, विद अ फ्यू मोर एडेड फीचर्स टू इट्स आर्किटेक्चर। मतलब उसके डिजाइन में जो भी चीजें थी, थोड़ा फीचर्स करके हमने 8085 से क्या किया, 8080 बनाया, विच रिजल्टेड इन फंक्शनली कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर। क्या हुआ जो है, विच रिजल्टेड इन ए फंक्शनली कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर, क्या हुआ उससे जो है, फंक्शनली जो कार्य कर रहा है,
माइक्रोप्रोसेसर क्या है, थोड़ा कम पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ जो है। द मेन लिमिटेशन ऑफ द 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर वेयर देयर लो स्पीड, जो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर था जो है क्या है वो थोड़ा स्लो था। मतलब अभी आपके पास मोबाइल यूज कर रहे हो, वो कौन कितने बिट का प्रोसेसर है पता है आपको? नहीं पता है आपको। क्यों नहीं पता है? आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, आपको जानकारी नहीं है जो है। अभी क्या है, ये पढ़ने वाला जान जाओगे जो है, उसे पता कर लोगे कि आपका जो प्रोसेसर है, आपके मोबाइल फोन का जो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है या 16 बिट का है या 32 बिट का है। ठीक है, तो ये था 8 बिट का जो हुआ 1974 में प्रोसेसर का इन्वेंशन जो है, क्या हुआ उसकी स्पीड क्या थी, लो थी, मतलब धीमी स्पीड का था जो है, लो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, जो उसकी मेमोरी थी जो एड्रेस करने की कैपेबिलिटी क्या थी, बहुत कम थी जो है। लिमिटेड नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स, उसके अंदर रजिस्टर्स थे जो है वो क्या थे, लिमिटेड थे जो है। ठीक है, एंड लेस पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट, जो उसको इंस्ट्रक्शन जो हम देते थे प्रोसेसर को जो है वो भी क्या थे, बहुत कमजोर थे, मतलब फटाक मतलब कमांड जो देते हैं वो कमांड फास्ट नहीं था जो है। ठीक है, ऑल दिस लिमिटेशन ऑफ द 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पुश द डिजाइनर टू बिल्ड मोर पावरफुल प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ एडवांस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो डिजाइनर थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम क्या करें जो है, थोड़ा और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर को क्या करें बनाए या जो भी करें। ठीक है, 8 बिट से भी क्या किया उन्होंने, एडवांस किया जो है, लार्जर मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी एंड मोर। ठीक है, द 8086 वॉज अ रिजल्ट ऑफ सच डेवलपमेंट डिजाइन एफर्ट। क्या हुआ जो है, 8086 वॉज अ रिजल्ट ऑफ सच डेवलपमेंटल डिजाइन एफर्ट। क्या किया 8086 जो था आपका, क्या है डेवलपमेंट डिजाइन एफर्ट्स था जो है। इन द फैमिली ऑफ 16 बीट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 8086 वॉज द फर्स्ट वन टू बी लॉन्च इन 1978। क्या है, इन द फैमिली, ठीक है, मतलब 16 बिट के होगी जो प्रोसेसर थे जो उसके परिवार में जो है 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर का क्या हुआ, उदय हुआ। इंटेल 8086 वॉज द फर्स्ट वन टू बी लॉन्च इन 1978। जो इंटेल जो था, क्या है इंटेल कंपनी ने क्या किया, लॉन्च किया किसको, 8086 को, प्रोसेसर को जो है, कब लॉन्च किया, 1976 में जो है, अरे 1978 में, आज से कितने साल पहले, अभी क्या चल रहा है आपका जो है 2024 चल रहा है, 24 साल ये हो गए और 22 ये, मतलब कितना हो गया 46, आपका 46 ईयर पहले जो है ये हो चुका था। इंटेल कौन सी कंपनी है आपकी, दिस इज नथिंग बट अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन माइक्रोप्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द 16 बिट प्रोसेसर वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मोर पावरफुल एंड हाई स्पीड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। जो हमको कंप्यूट, जो भी कंप्यूटेशनल जो करना था रिसोर्स, कंप्यूट करना मतलब चीजों को तेजी से करना, कंप्यूट करना, क्या है ये किसका परिणाम था जो है, मतलब हमको रिक्वायरमेंट थी इसकी जो है। ठीक है, हम लोगों को मतलब एक मानव समाज को उसकी क्या थी, जरूरत थी एक तरीके से। द 8086 माइक्रो प्रोसेसर एज ए मच मोर पावरफुल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट अलॉन्ग विद द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट विच इम्पार्ट सब्सटेंशियल प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट इन स्पीड ओवर द 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये जो सारी चीजें थी वो क्या, 8 बिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आपका 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आपका। ठीक है, अगला क्या जो है, द पेरिफेरल चिप डिजाइन अर्लियर फॉर 8085 वेयर कंपैटिबल विथ माइक्रो प्रोसेसर 8086 विथ स्लाइट और नो मॉडिफिकेशन। जो पेरिफेरल चिप मतलब जो उसमें चिप वगैरह जो ऐड करते हैं हम लोग तरीके से, क्या है आपका जो है, जो 8085 में जो लगाते थे वही आपका 8086 में भी लगता था। जो पेरिफेरल मतलब एक तरह से सहायक, उसको भी हेल्प कर रहे हैं,
क्या क्या है चीजें, ठीक है। दो, देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक ऑफ 8085 एंड 8086। जो मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक थी जो है उसमें थोड़ा फर्क था जो है किसमें 8085 में और 8086 में जो है। द मेमोरी इंटरफेसिंग टेक्निक इज सिमिलर बट इंक्लूड्स यूज ऑफ अ फ्यू एडिशनल सिग्नल। बट क्या था यहाँ पे, फ्यू एडिशनल सिग्नल्स जो क्या थे इंक्लूड थे। द क्लॉक रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो डिफरेंट एज कंपेयर टू 8085। जो क्या था आपका क्लॉक रिक्वायरमेंट था वो क्या था, डिफरेंट था किसके 8085 से। बट द ओवरऑल मिनिमल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ जनरल 8-bit माइक्रोप्रोसेसर। और कुछ चेंजेस थे लेकिन बाकी सारी सिमिलर ही था जो है। इन दिस चैप्टर द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 एंड 8080 आर डिस्कस्ड इन एडिक्वेट डिटेल अलॉन्ग विद द इंटरफेसिंग ऑफ सपोर्टिंग चिप्स विद देम टू फॉर्म अ मिनिमम सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे जो है 8085 और 8086 दोनों का क्या पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, पर्टिकुलर उसका डिजाइन क्या है तरीके से जो भी चीज है और उसमें कितनी पेरिफेरल हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। द सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डिस्कस्ड, ठीक है। फॉर बोथ द ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8086, ठीक है। अगला क्या है टॉपिक आपका, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086। 8086 एज ए पावरफुल सेट ऑफ रजिस्टर नोन एज जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर 16-bit रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या करते हैं जो है, ये मेमोरी क्या करते हैं एक तरीके से स्टोर करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आपका माइक्रोप्रोसेसर कौन सा है, 8086 है। इसके आपके क्या है जो रजिस्टर है जो है दो तरह के होते हैं, एक आपका जनरल पर्पस और एक कौन सा स्पेशल पर्पस जो है। पर्पस क्या होता है, मतलब किसी चीज को करने के लिए कुछ चीज चाहिए जो है, ठीक है। जनरल मतलब सामान्य तौर पे, और एक तरीके से स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए जो चीजें चाहिए उसको कहा जाता है। ऑल ऑफ देम आर, ठीक है, ये सारे दोनों भी क्या है जो है, ये 16-bit रजिस्टर है, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर कैन बी यूज एज आइदर 8-bit रजिस्टर और 16-bit रजिस्टर। जो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है ये हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आपका जो है 8-bit और 16-bit दोनों के हो सकते हैं जो है, ठीक है। दे मे बी आइदर यूज फॉर होल्डिंग डाटा, ठीक है। मैंने बताया ना रजिस्टर मतलब क्या होता है, नथिंग बट मेमोरी जो है, मतलब डाटा मतलब जो भी कोई डाटा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग जो है होल्ड कर रहे हैं स्टोर करने के लिए। फिर वेरिएबल एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट टेम्पररी और फॉर अदर पर्पस लाइक अ काउंटर और फॉर स्टोरिंग ऑफसेट एड्रेस फॉर सम पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड एक्सेट्रा। द स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड एज सेगमेंट रजिस्टर देन पॉइंटर्स इंडेक्स रजिस्टर और एज ऑफसेट स्टोरेज रजिस्टर्स फॉर पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये सारी चीजें क्या पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखेंगे जो। नेक्स्ट क्या जो है, वी विल कैटेगराइज द रजिस्टर सेट इंटू 4 ग्रुप्स एज फॉलो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे रजिस्टर्स को कैटेगराइज करेंगे, मतलब अलग अलग क्या करेंगे अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे जो है। कौन कौन से हैं जो है, 4 में जो है। फर्स्ट वन क्या आपका जो है जनरल डाटा रजिस्टर फिगर 1.1। ये जो आपका 1.1 है शोज द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 द रजिस्टर्ड AX BX CX एंड DX, ठीक है। आर द
ये आपका ठीक है AX, BX, CX, DX are the general purpose 16 bit registered. AX is used as 16 bit accumulator. AX को कैसे यूज कर रहे हैं? Accumulate का मीनिंग क्या होता है? Accumulate मतलब किसी चीज को क्या करना, इकट्ठा करना. कहीं जब मतलब वाटर इज एक्यूमुलेटेड देयर, मतलब वाटर क्या है, इकट्ठा हो गया वहां पे, इकट्ठा जो हो रहा है आपका, ठीक है. तो क्या है जो है, AX इज यूज्ड एज 16 बिट एक्यूमुलेटर विद द लोअर 8 बिट ऑफ AX डिजाइन एज AL, ठीक है. मतलब जो 16 बिट है AX, उसका लोअर अगर हमने डिजाइन किया तो कैसा होगा, AL जैसा होगा, ठीक है. एंड हायर 8 बिट एज AX, अगर हायर कर रहे हैं तो AH होगा आपका. AL can be used as an 8 bit accumulator for 8 bit operation, ठीक है. AL can be used as an 8 bit accumulator for 8 bit operation. अगला क्या है, this is the most important general purpose register having multiple function which will be discussed later. क्या है आपका जो है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्ड. ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल मतलब सामान्य वर्क के लिए हम लोग रजिस्टर यूज कर रहे हैं. हैविंग मल्टीपल फंक्शन, इसे क्या है, मल्टीपल फंक्शन है विच विल बी डिस्कस लेटर. ये सारे क्या है, जनरल डाटा रजिस्टर है, ये सेगमेंट रजिस्टर है, और ये क्या है, पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्ड, ठीक है. सी एस 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 डी जी ईएस, देन आपका एस पी बी पी एस आई डी आई आई पी. यूजुअली द लेटर एल एंड एच स्पेसिफाई द लोअर एंड हायर बाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रजिस्टर. ये दो वैल्यू एल और एच क्या बताता है, जो है लोअर एंड हायर बाइट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी एच मीन्स द हायर 8 बिट ऑफ सी एच रजिस्टर्ड एंड सी एल मीन्स द लोअर 8 बिट्स ऑफ सी एच रजिस्टर्ड. द लेटर एच इज यूज टू स्पेसिफाई द कंप्लीट 16 बिट रजिस्टर्ड, ठीक है. एक्स का मतलब क्या है, 16, और ठीक है, और लेटर एक्स का क्या मीनिंग है, 16 बिट है, मतलब 16 बिट है आपका, ठीक है. अगला क्या है आपका, द रजिस्टर सी एक्स इज ऑल्सो यूज एज अ डिफॉल्ट काउंटर इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड लूप इंस्ट्रक्शन. स्ट्रिंग और लूप इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग, जो है कोई भी क्या करते हैं, एक तरीके से अल्गोरिदम मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, प्रोग्राम में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि 2+2 ठीक है इज इक्वल टू 4 है. तो यहाँ पे क्या है, 2 मान लो अगर जो है 2+A इज इक्वल टू 4, A की वैल्यू अगर पुट करेंगे जो है, क्या पुट करेंगे कि 4 आएगा, ठीक है, 2 जो है. तो क्या करेंगे, एक तरीके से ये कंप्यूटर क्या करता है, ये कैलकुलेशन करने के लिए क्या करता है, उसके अंदर प्रोग्राम और सेट किए गए रहते हैं, अल्गोरिदम इसको कहते हैं. तो ये आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे लूप इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है. ऐसे प्रोग्राम जो देते हैं, जो है कंप्यूटर में कमांड देते हैं, तरीके से डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं आपके. तो ये टाइप है, टाइप ऑफ प्रोग्राम है आपका, स्ट्रिंग एंड लूप इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो है. अगला क्या जो है, रजिस्टर बीएक्स इज यूज एज एन ऑफसेट स्टोरेज फॉर फॉर्मिंग फिजिकल एड्रेसेस इन केस ऑफ सर्टन एड्रेसिंग मोड.
क्या है, अगला का जो है रजिस्टर्ड बीएक्स, हमने क्या यूज किया जो है रजिस्टर्ड बीएक्स यूज किया एज एन ऑफसेट स्टोरेज, ऑफसेट स्टोरेज के लिए फॉर फॉर्मिंग फिजिकल एड्रेसेस इन केस ऑफ सर्टेन एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। अगला क्या है आपका डीएक्स, रजिस्टर्ड इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर विच मे बी यूज एज एन इम्प्लिसिट ऑपरेंड और डेस्टिनेशन इन केस ऑफ फ्यू इंस्ट्रक्शन। द डिटेल यूजेस ऑफ दिस रजिस्टर विल बी मोर क्लियर व्हेन वी डिस्कस द एड्रेसिंग मोड एंड द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 पर। क्या देखेंगे हम लोग जो है डिटेल इसका यूज देखेंगे, इसका 8086 का। अगला क्या जो है सेगमेंट रजिस्टर्ड, अनलाइक 8085 द 8086 एड्रेसेस अ सेगमेंटेड मेमोरी। ये मेमोरी होती है, जैसे आपका कंप्यूटर देखे हो कभी, कंप्यूटर में आपका जैसे सी होता है, फिर कोई ऑपरेट किया है आपने कंप्यूटर अभी फिलहाल, कोर्स किया हो कभी कंप्यूटर का कुछ, कंप्यूटर वगैरह कोर्स किया तो यहाँ पे चलाए हो, तो जैसे जब ओपन करते हो तो सी रहता है फिर डी रहता है, माउस से क्लिक करते हो तो सी में ये डाटा आपका सी में है, फिर ये आपका डाटा डी, हाँ फोल्डर होता है, तो फोल्डर को तो वो जो आपका क्या एक तरह से हाँ तो उसको क्या कर सकते हैं, उस मेमोरी को आप चाहे तो क्या कर सकते हैं सेगमेंटेड भी कर सकते हैं, हाँ बड़ा मतलब उसको बांट सकते हैं, ठीक है। मतलब 100 GB का है एक फोल्डर, उस मेमोरी को क्या करेंगे सेगमेंट कर देंगे, बांट देंगे उसको जो, ठीक है। The complete 1 MB memory which the 8086 address is divided into 16 logical segment, ठीक है। 1 MB का जो भी है जो है, the complete 1 MB memory, 1 MB की क्या है आपकी memory है, वो क्या करेंगे which the 8086 addresses is divided into 16 logical segment, क्या करेंगे उसको जो है 16 logical segments में क्या करेंगे Each segment thus contains 64 kilobytes of memory. Each segment क्या करेगा का क्या मतलब है 64 kilobytes of memory होगा। फिर there are 4 segment registered, ठीक है, 4 segment registered, ठीक है। फिर अगला क्या है data segment registered, extra segment रजिस्टर्ड एंड स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्ड, कोड सेगमेंट रजिस्टर्ड इज यूज फॉर एड्रेसिंग अ मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर्ड। सिमिलरली द डाटा सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स टू द डाटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द डाटा इज रीसाइडेड, यहां पे क्या है डाटा स्टोर है आपका। The extra segment also refers to a segment which essentially is another data segment of the memory. The CPU uses the stack for temporarily storing important data. CPU क्या करता है डाटा को टेम्परली स्टोर करने के लिए, ठीक है, कौन सा क्या करता है स्टैक यूज करता है, स्टैक फॉर इंपॉर्टेंट डाटा। एग्जांपल द कंटेंट ऑफ द सीपीयू रजिस्टर्ड विच विल बी रिक्वायर्ड एट अ लेटर स्टेज। द स्टैक ग्रोस डाउन दैट इज द डाटा इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक इन द मेमोरी लोकेशन विद डिक्रीजिंग एड्रेसेस। व्हेन दिस इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड बाय द CPU they will pop off from the stack. ठीक है, CPU क्या करता है RAM क्या करता है, RAM का क्या मतलब होता है रीडेबल एक्सेस मेमोरी, वहां से क्या है वो डाटा मतलब 8 GB का आपका RAM है जो है ना 8 GB का RAM है, तो एट ए टाइम जो है जो भी आप
कर रहे हो या जो भी चीजें आप कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन या जो जिसमें भी ऑपरेट कर रहे हो, तो क्या करते हैं जब कोई एप्लीकेशन हम लोग ओपन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है वो रनिंग, मतलब 8 GB में से मान लो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए 8 GB है आपका रैम, अगर मान लीजिए अगर 1 GB 1.2 GB उसमें क्या हो गया, यूज हो गया, जो है एक एप्लीकेशन चल रहा है, फिर दूसरा चल रहा है, फिर तीसरा चल रहा है, अगर 8 GB से अगर क्रॉस होगा जो है, 8 GB से अगर क्रॉस करेंगे आप जो है, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल हैंग करने लगेगा, ठीक है, उतना एप्लीकेशन जो है, इसलिए जो आपके मेगा रैम कम होता है, क्या होता है जिस कंप्यूटर वगैरह जिसका भी रैम कम होता है, 2 GB 1 GB वाले जो होते हैं वो हैंग करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, एक ओपन किया आपने जो है, फिर जब दूसरा ओपन करेंगे तो उसको कहाँ से हो? रैम आपका रहेगा तभी ना होगा, तभी तो प्रोसेसर करेगा सारा वर्क, नहीं तो कैसे करेगा। ठीक है, द सीपीयू, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूजेज द स्टैक फॉर टेम्पररली स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डाटा, एग्जाम्पल द कंटेंट ऑफ द सीपीयू रजिस्टर्स विच विल बी रिक्वायर्ड एट अ लेटर स्टेज, व्हेन दिस इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू दे विल पॉप अप फ्रॉम द स्टैक। क्या करेगा सीपीयू को जब जरूरत है स्टैक से, क्या करेगा, उठाएगा और उसको यूज करेगा। ठीक है, वाइल एड्रेसिंग एनी लोकेशन इन द मेमरी बैंक द फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड From two part, the first is segment address and the second is offset। कहाँ पे आपका वो डाटा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, दो तरीके से, कौन से हैं, तो दोनों तरीके, फर्स्ट वन इज सेगमेंट एड्रेस एंड सेकेंड इज ऑफसेट। द सेगमेंट रजिस्टर्स कंटेन 16-bit सेगमेंट बेस एड्रेसेस, ठीक है, related to different segments, any of the pointer and index registered or BX may contain the offset of the location to be address। The advantage of this scheme is that instead of maintaining 20-bit register for a physical address, क्या चाहिए हमको जो है उसका physical address पता करने के लिए 20-bit की जगह हमको क्या चाहिए 16-bit चाहिए जो है। The processor just maintain 2 16-bit register which are within the word length capacity of the machine। Thus the CS, DS, SS and ES segment registers respectively। बताया था ना मैंने registered आपका, ये देखिए ये segment registered CS, SS, DS, ES। segment मतलब बता दिया ना मैंने, contain the segment addresses for the code data stack and extra segment of memory। It may be noted that all these segments are the logical segments। ये सारे segment कौन कैसे हैं, logical segments हैं। They may or may not be physically separated। In other words, a single segment may require more than one memory chip or more than one segment may be accommodated in a single memory chip। ठीक है, एक ही मेमोरी चिप में, मैं बता रहा था ना, एक ही मेमोरी चिप में जो है आप क्या कर सकते हैं, जो है सेगमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये देखो वही सेम चीज बता रहा है आपको। इन अदर वर्ड अ सिंगल सेगमेंट में रिक्वायर मोर देन वन मेमोरी चिप और मोर देन वन सेगमेंट में भी अकोमोडेट इन अ सिंगल मेमोरी चिप। एक ही मेमोरी चिप में हम लोग क्या कर देंगे, दो सेगमेंट बना सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है ना उसमें अगर क्या है आपकी फाइल डी है, बी सी सी रहती है, तो सी में क्या कर सकते हैं उसका सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड करके,
आधा पार्ट इधर हो जाएगा, आधा पार्ट इधर हो जाएगा। ये हो गया आपका जो है। नेक्स्ट है आपका अगला जो है आपका पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्ड। द पॉइंटर्स कंटेन ऑफसेट विद इन द पर्टिकुलर सेगमेंट्स। द पॉइंटर आईपी बीपी एंड एसपी यूजुअली कंटेन ऑफसेट विद इन द कोड जेपी एंड स्टैक बीपी एंड एसपी सेगमेंट। द इंडेक्स रजिस्टर्स आर यूज्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर्स एज वेल एज ऑफसेट स्टोरेज इन केस ऑफ इंडेक्स बेस्ड इंडेक्स एंड रिलेटिवली बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स। द रजिस्टर SI इज जनरली यूज टू स्टोर द ऑफसेट ऑफ फोर डाटा इन डाटा सेगमेंट वाइल द रजिस्टर DI ठीक है इज यूज टू स्टोर द ऑफसेट ऑफ डेस्टिनेशन इन डाटा और एक्स्ट्रा सेगमेंट। द इंडेक्स रजिस्टर्ड आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है ये। अगला क्या है आपका टॉपिक फ्लैग रजिस्टर्ड। द 8086 फ्लैग रजिस्टर्ड कंटेन इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इन द ALU। क्या मतलब होता है ALU का बताओ। द ALU का मीनिंग बताइए बताओ। हाँ क्या होता है आर्थमेटिक लॉजिकल बैठो ठीक है आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है वेरी गुड। इट ऑल्सो कंटेंट्स ऑफ फ्लैग बिट्स टू कंट्रोल द CPU ऑपरेशन। डिटेल ऑफ द फ्लैग रजिस्टर्ड आर डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। फ्लैग रजिस्टर्ड के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। आर्किटेक्चरल ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ द 8086 प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स ओवर 8085 आर्किटेक्चर ठीक है। क्या अगला जो है आपका द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करेगा जो है नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स वर 8085 आर्किटेक्चर। क्या करेगा ये आपको 8085 का इंप्रूवमेंट जो है क्या 8086 है जो है। इट सपोर्ट्स अ 16 बिट ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये क्या सपोर्ट करेगा जो है आपका। इट सपोर्ट्स अ 16 बिट ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अ सेट ऑफ 16 बिट रजिस्टर्स एंड प्रोवाइड्स सेगमेंटेड मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। अ रिच इंस्ट्रक्शन सेट पावरफुल इंटरप्ट स्ट्रक्चर फेस्ट इंस्ट्रक्शन क्वी फॉर ओवरलैप फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ओके। द इंटरनल ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर 1.2 डिस्क्राइब द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट इनसाइड द चिप। चिप के अंदर क्या होता है डिफरेंट क्या सारी चीजें आपको ये कहां पे ये फिगर 1.2 में है ये है आपका यही है आपका ठीक है ये सारी चीजें हैं बताया था ना। ये देखो रजिस्टर्ड बैंक है ये फिर ये क्लॉक एंड कंट्रोल टाइमिंग एंड the internal block diagram shows in the figure 1.2 describes the overall organization of different units inside the chip. The complete architecture of the 8086 can be divided into two parts
जो उसका आर्किटेक्चर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किस पार्ट में जो है, फर्स्ट वन क्या है आपका, जो है बस इंटरफेस यूनिट BIU एंड एग्जीक्यूशन यूनिट EU। द बस इंटरफेस यूनिट कंटेंट्स द सर्किट फॉर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन एंड अ प्री डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन बाइट QE। समझ आ रहा कि सब ऊपर से जा रहा है, सब बाउंसर जा रहा है। मोबाइल है ना सबके पास, कल जो है ना माइक्रोप्रोसेसर के बारे में थोड़ा वीडियो वगैरह, एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर, ठीक है। पूरा डिटेल मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो जो है, लेकिन क्या एटलीस्ट थोड़ा हाँ प्रिपेयर थोड़ा करके आइए, देन यू विल स्टडी क्या है। क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट जो है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया जो है, अब वो कुछ करने की नहीं जरूरत है, ठीक है। एक आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। माइक्रोप्रोसेसर जो आपका है ना, PCB जो आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर में, सब एवरीथिंग सब डिटेल में आपका। और जो अभी का टॉपिक है, यू कैन गेट अ जॉब देयर, कहाँ पे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुला है ना आपका गुजरात में, सांसद कहाँ पे है, सांसद के सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुला है आपका गुजरात में, खुला है सांसद में जो है, अहमदाबाद में नहीं, सांसद एक जगह है प्लेस, वहां पे खुला है। फिर एक आपका आसाम में एक है प्लांट, ठीक है, जो भी लगा रहा है जो, ठीक है। यू कैन गेट अ जॉब देयर, क्या कर सकते हैं आप जो है, आपको जॉब मिल जाएगा आराम से जो है, बट यू हैव टू अच्छा वीडियो में, ठीक है, बता दे रहा हूँ।